मुंबई की बैठक में पूरी तरह घमंडिया गठबंधन के लोगों ने इस देश से सनातन को खत्म करने का शुरुआत किया। सनातन धर्म को खत्म करना और सनातन हिंदू, अब समय आ गया है। मैंने कल भी कहा कि तुम परशुराम और राम के वंशज हो, खड़ा हो, प्रतिकार करो। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी की ओर से कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि इस बैठक में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं, सुशील मोदी हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, तमाम बड़े बड़े लीडर जो हैं बीजेपी के वह इस कोर कमेटी में शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि 2024 में चुनाव होना है। आने वाले 24 के चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी ओर से रणनीति बनाने में लगी हुई है। चुनावी मैदान में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं। हालांकि आगे क्या कुछ इन सब चीज़ों का फलाफल निकलेगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल तमाम तरह की तैयारियां जो है वह बीजेपी में चल रही है। इसी क्रम में आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि किस तरह से इस बैठक में जो है तमाम नेता जो है अपने अपने नेताओं को जो है कहीं ना कहीं नसीहत दे रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे और बेहतर जो है वह बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है बढ़े, इन तमाम चीज़ों पर जो है वह रणनीति तय की जा रही है। साथ ही साथ जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से सवाल किया है, तो क्या कुछ कहना है इन नेताओं का छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ? पूरी तरह मुंबई की बैठक में पूरी तरह घमंडिया गठबंधन के लोगों ने इस देश से सनातन को खत्म करने का शुरुआत किया, और आप देखेंगे घमंडिया गठबंधन के सभी लोग इसी तरह का बयान भी दे रहे हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस पार्टी हो या स्टालिन का परिवार हो, वो लगातार इन चीजों पर लगातार बयान देते रहे। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उसके लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, वो कार्यक्रम में जाने के लिए व्यस्त हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं लग रहा है कि बिहार के छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, पानी में डूब गए और उनको देखने का फुर्सत उनके पास नहीं है। देखिए, कोई गलत नहीं कहा है, INDIA का एजेंडा है जो स्टालिन के मंत्रियों ने कह दिया कि सनातन धर्म को ख़त्म करना और सनातन हिंदू, अब समय आ गया है। मैंने कल भी कहा कि तुम परशुराम और राम के वंशज हो, खड़ा हो, प्रतिकार करो।